अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन की आकस्मिक पंचायत स्थान तिकोनिया पार्क जिला महिला अध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुई तथा पंचायत का संचालन डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने किया। पंचायत में पूर्व मंडल प्रमुख महासचिव श्रीराम वर्मा को नवायुक्त प्रदेश सचिव का पद मिलने पर माल्यार्पण के साथ एक दूसरे को मिठाई बांटकर भव्य स्वागत किया। इसी के साथ तमाम ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए 8 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा। उपजिलाधिकारी सदर से वार्ता हुई जिसमें सभी समस्याओं के निस्तारण करने का वादा किया गया तथा संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए विचार रखे गए। 31 तारीख को राष्ट्रीय पंचायत में सबकी भागीदारी की चर्चा की गई और सबको कहा गया कि सब अपने निशान में हथियार के साथ 31 जुलाई को मजबूती से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें। आज तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई महिला विंग के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम लगाया गया है और ये कार्यक्रम केवल जो है प्रशासन जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते लगाया गया है, क्योंकि ऐसी समस्याएं हैं। 25 साल पुराने कार्यकर्ता हमारी महिला की जो है माता जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं गंगा जली, इनके खेत पर जबरदस्ती कब्जा जो है लेखपाल की मिली भगत से और जो है तहसीलदार की मिली भगत से वहाँ हो रहा है तारुण में, और इनका मोटर दिन दहाड़े खुल गया जो है चोरी हो गया दीवाल तोड़ करके। नामजद FIR के लिए तहरीर दी गई, SPRA महोदय से हम लोग स्वयं जिला अध्यक्षा के साथ मुलाकात किए थे। इसके बाद एक तहरीर थाने में नहीं दर्ज हो रही है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और इस दोबारा ये जोगी जी की सरकार में जो है हम लोग जो उम्मीद लेकर के काम किए और जो है आज हम लोग जो है इनका उम्मीद लगा करके जो न्याय की उम्मीद करते हैं उस पर जो है ये जिला प्रशासन के लोग उस पर पानी फेरने में लगे हैं। और आज की पंचायत में बुलाया गया है जिला अध्यक्षा सुमन पांडे के माध्यम से, अगर थाना अध्यक्ष तारुण आकर के समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आवास पर महिला और जेंट्स कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठेंगे और लड़ाई आज आर पार की होगी, उसमें जो भी हमको कुर्बानी चुकानी पड़ेगी मैं तैयार खड़ा हूँ। ये इंतजार मात्र 2.5 घंटा, 2.5 घंटे बाद सीधे कप्तान के ऑफिस पर आवास पर कूच किया जाएगा और वहीं पर आमरण अनशन किया जाएगा और ये संदेशा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। क्या नाम है? श्री राम वर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।